लास्ट लाइन, प्रश्न दिया हुआ है, चित्र भी दिया हुआ है। प्रश्न क्या है, आकृति में यदि ए बी समांतर डी कोण बी ए सी बराबर 35, सी डी ई बराबर 53 है तो डी सी ई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है अपने को, क्या दिया हुआ है, ए बी समांतर डी डी दिया हुआ, ए बी समांतर क्या दिया हुआ है, डी डी, ए बी समांतर डी डी दिया हुआ। उसके बाद क्या दिया हुआ है, कोण बी ए सी बराबर 35, बी ए सी बराबर 35 और सी डी ई बराबर 53। बी ए सी 35 दिया हुआ है और सी डी 53 दिया हुआ, बी ए सी 35 दिया हुआ है, सी डी 53 दिया हुआ है, ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, डी सी ई का मान, कौन डी सी ई का मान ज्ञात करना, कौन डी सी ई का मान ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, कौन डी सी ई का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो प्रश्न में दिया हुआ है ए बी समांतर डी, क्या दिया हुआ है, ए बी समांतर डी, ए बी समांतर डी ये दिया हुआ है, ए बी समांतर डी दिया हुआ है। ए बी कहाँ है, ए बी यहाँ है, डी ई कहाँ है, डी ई यहाँ है, दोनों समांतर दिए हुए हैं तो ए बी समांतर डी ई दिया हुआ है और ए ई तिरेक रेखा है, ए ई क्या है, तिरेक रेखा है। ए बी समांतर डी ई है और ए ई क्या है, ए ई तिरेक रेखा है, ए बी और डी समांतर रेखा है और ए ई क्या है, तिरेक रेखा। तो समांतर रेखाओं को जब तिरेक रेखा प्रच्छेद करती है, समांतर रेखाओं को तिरेक रेखा प्रच्छेद करती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, क्या होते हैं, एकांतर कोण बराबर, जेड आकृति बनती है, जेड बन रहा है नहीं बन रहा है, जेड आकृति बन रही है, जड़ाकृति बन रही है। तो बी ए ई और ए ई डी क्या हो गया, कौन बी ए ई बराबर कौन ए ई डी, कौन सा कौन हो गया, एकांतर कौन, कौन सा कौन हो गया, एकांतर कौन, कौन सा कौन हो गया, एकांतर कौन। अब आप बी ए ई तक लो चाहे बी ए सी लो, बात एक ही है, बी ए सी दिया हुआ है, बी ए सी क्या हो जाएगा, सी ई डी, ये 35 है, ये 35 आ गया, यहाँ बी ए सी ले लो, बोली बी ए सी तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, सी ई डी ले लो, ये भी कौन से कौन ही है, कौन एक ही है, बस नाम चेंज हो गया है, कौन तो वही है समान तरीका, ए बी सी डी से बना, वही पहले अपन ने पूरा ए बी ए ई तक लिया था लेकिन बीच में सी आ गया इसलिए अपन यहाँ सी पे रोक दिया, बी ए सी सी ई डी, कौन सा कौन हो गया, एकांतर कौन, 35 सी है, ए बी कितना आ गया, 35। अभी बात समझ में, डी सी ई क्या करना है, डी सी ई आए, ये त्रिभुज बन रहा है पूरा, देखो सी डी ई त्रिभुज ले लो, यहाँ ले लो पहले सी ई डी कितना आ गया, 35 आ गया, सी ई डी कितना आ गया, 35, ठीक है, त्रिभुज ले लो, त्रिभुज सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई में, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण, कौन कौन से कोण हैं, सी डी ई प्रश्न में दिया हुआ है, सी डी ई प्लस
सी ई डी अपन ने ज्ञात किया अभी एकांत त्रिकोण से प्लस बी सी ई बराबर कितना होगा 180। वहां से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। सी डी ई 53 है, सी ई डी 35 है, डी सी ई ज्ञात करना है, बराबर कितना होगा 180। दोनों को जोड़ लो कितना आया 88 प्लस डी सी ई बराबर 180। हमें डी सी ई ज्ञात करना है, साथ में कौन है 88 प्लस का इधर लो क्या बन जाएगा माइनस का, प्लस का उधर क्या बन जाएगा माइनस का। डी सी ई बराबर 180 माइनस 88 बता दो, डी सी ई बराबर 10 में से हट गया 2, 17 में से हट गया 92, तो डी सी ई कितना आ गया 92, और डी सी ई बराबर 92 आ गया, ये इसका आंसर आ गया। समझ में नहीं आया तो एकांत त्रिकोण अपन ने बहुत जगह काम में लिए हैं, ध्यान रखना एक संगत कोण रेखीय कोण युग्म एकांत त्रिकोण ये बहुत काम आते हैं। अगर प्रश्न समझ में नहीं आए तो आप अवश्य पूछ सकते हैं, कोई भी समस्या आ रही है। कितने सवाल अपन अभी तक किए हैं 24 सवाल किए हैं, मार्गदर्शन लेने के लिए आप आ सकते हो, पूछ सकते हो 9th 10th, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पर भी ऑनलाइन समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई सवाल नहीं आ रहा है, उसमें आपको जो भी समस्या आ रही है तो आप अवश्य पूछें। आज के इतना ही, कल के वीडियो करेंगे।